जय हिंद साथियों, स्वागत है फिर से आपका नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि आईटीआई का जो है रिजल्ट आने वाला है, आईटीआई की परीक्षा जो है कब तक होने वाली है और उसके बाद जो है आपकी मार्कशीट किस दिन आएगी, क्योंकि ये रिजल्ट की बहुत क्योंकि जो है जितने भी कैंडिडेट का भी यानी कि एग्जाम हो गया है वो अभी परेशान है कि रिजल्ट कब आएगा। हमारे पास कमेंट भी आए थे कि हाँ जी बता दीजिए कि जो है कि रिजल्ट कब आने वाला है, आईटीआई मेरा जो है एग्ज़ाम हो गया है और उसके बाद जो है मार्कशीट के बारे में पूछ रहे थे, कैंडिडेट की मार्कशीट जो है कब आएगी। तो आपको बता दें इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पर जो है आईटीआई से रिलेटेड हम सारी जानकारी देते हैं, तो आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको वीडियो अच्छा लगता है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप चैनल पे एक बार विजिट करिएगा, क्योंकि आप जो है आईटीआई कर चुके हैं यानी कि आप रिजल्ट आ गया है तो आपकी जो है आईटीआई कंप्लीट हो गई है। आने वाली रेलवे की अप्रेंटिसशिप और उसके बाद आईटीआई से जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब है सबकी हम जानकारी देते हैं। और इसके बाद हम बता दें आपको कि सबसे पहले कि आईटीआई की जो है परीक्षा कब तक चलने वाली, तो 4 अगस्त तक जो है इसके एग्ज़ाम होने वाले हैं। आपको ये डेट याद रखना है, 4 अगस्त तक जो है इसके एग्ज़ाम होंगे। तो इसके पहले जो तो आने वाला है नहीं रिजल्ट, 4 अगस्त के बाद जो है आपका रिजल्ट। रिजल्ट की बात करें तो आपका रिजल्ट जो है यानी कि जो है 17 को आएगा, 17 अगस्त को आपका रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि आपके 4 को आपके एग्ज़ाम कंप्लीट हो रहे हैं और उसके बाद 17 यानी कि जो है आपके लगभग 13 दिन में आपके रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि जो है पहले से डीजीटी ने अपने रोल में चेंज किया है। रोल में चेंज करने के अलावा और इसमें ये भी है कि टाइम टू टाइम हर चीज़ जो है इस बार डीजीटी टाइम टू टाइम कर रही है, तो रिजल्ट भी में भी यानी कि 17 अगस्त को आ ही जाएगा। और कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि ये मार्कशीट की बात करें तो आपकी एक मार्कशीट होती है, जैसे हम फिटर ट्रेड की बात करें, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की बात करें, उसमें जो है एक वैसे तो बनती है सबकी, वैसे जो है कंसोलिडेटेड मार्कशीट बनती है। उसका मतलब ये है उसमें फर्स्ट ईयर और आपका जो है सेकेंड ईयर दोनों के जो है मार्क जुड़ते हैं। एक कैंडिडेट पूछ रहे थे कि जो है फर्स्ट ईयर का मेरा एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो है यानी कम नंबर आते हैं, तो क्या सेकेंड ईयर में फ़र्क पड़ेगा रिजल्ट में? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि जो है आपकी एक ही मार्कशीट बनती है, टोटल जो है आपके दोनों ईयर के नंबर मिलके तभी आपका परसेंटेज बनता है आईटीआई का। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये भ्रम से दूर हो जाइए कि आप जो है फर्स्ट ईयर में थोड़ा यानी एग्ज़ाम सही नहीं हुआ है तो सेकेंड ईयर में आप अच्छा करेंगे और उसके बाद रिजल्ट, हाँ अच्छा करेंगे, नंबर अच्छे आएंगे तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है। और मार्कशीट की बात करें, मार्कशीट जो आने वाली है, मार्कशीट आएगी आपकी जो है 19 सितम्बर। आपको ये यानी कि डेट याद रखना है, डेट के एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है लेकिन एग्जैक्ट यही यानी कि अनुमानित रहती है कि इस डेट को जो है आने वाला है रिजल्ट। तो सारी चीज़ें आपको बता ही दिया है कि एग्ज़ाम कब तक होने वाले हैं, उसके बाद रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट के बाद जो है मार्कशीट। आपको पता है कि इस चैनल में जो है हम आईटीआई से रिलेटेड सारी जानकारी देते हैं, और इसके पहले हमने वीडियो बनाया था कि आपका एग्ज़ाम हो गया तो आप कैसे आप पता कर सकते हैं कि आप जो है पास होने वाले हैं या फेल, और उसके बाद जो है आपके कितने नंबर तक आ सकते हैं, उसका वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप उस पर देख लीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट भी सर्च करिएगा तो आ जाएगा। और उसके बाद जो है नीचे लिंक है उस पर क्लिक करके जो है देखिए। और हाँ, आपको जो है इस चैनल पर जैसे ही रिजल्ट आएगा, रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी तो हम सबसे पहले देंगे, आप ये चीज़ याद रखिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, रिजल्ट की हम सबसे पहले जानकारी देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।